हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंडर डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है NROER, दैट इज़ द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो अगर हम NROER, दैट इज़ द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो एक ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, एक रिपोजिटरी है ये, दैट इज़ ये ओपन टू ऑल होगा, फ्रीली एसेसिबल होगा, हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यही मेंशन है दैट NROER इज़ अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग्स टुगेदर एवरीवन इंटरेस्टेड इन स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। कि बेसिकली एक ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें काम कोलैबोरेशन से होगा, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सोर्स है वहीं से सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएँ या सारे कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक्स वगैरह इंक्लूड कर ली जाए। इनफैक्ट इसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के बहुत सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो, उसके साथ ही कई ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंडिविजुअल जो लोग हैं और प्लस जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज NROER वॉज लॉन्च्ड ऑन 13th of August 2013 इन न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। दैट इज़ कि 13th of August 2013 में इसे लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में इन कोलैबोरेशन विद MHRD के अंडर का जो मेन डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी से रिलेटेड, उसके द्वारा। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि इसे इनिशिएट किसने किया, मैनेज कौन करता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, दैट इज़ इट इज़ इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज़ MHRD जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ CIET NCERT, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NROER भी MHRD और NCERT इन दोनों का ही एक इनिशिएटिव है, तो इसलिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज दिस रिपोजिटरी, इट रन्स ऑन द मेटा स्टूडियो प्लेटफॉर्म विच इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गॉलेज लैब्स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन TIFR मुंबई। दैट इज़ कि ये जो पूरी रिपोजिटरी है ये रन करती है एक मेटा स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे जो कि बनाया गया या फिर जो कि एक इनिशिएटिव है गॉलेज लैब्स का। तो यस, और ये जो गॉलेज लैब्स है ये इनिशिएटिव है या फिर इसे जो डेवलप किया गया है वो होमी भाभा सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई का है उसका एक पार्ट है, उसका एक सेंटर है, तो उन्हीं का इनिशिएटिव है ये गॉलेज लैब्स। सो नाउ कमिंग ऑन हाईलाइट्स, व्हाट आर द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो टॉकिंग अबाउट NROER, एक ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है और इसका इंटेंशन यही है कि जो भी अनरीच्ड हैं, जिन्हें अभी तक लर्निंग के लिए उतना बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उन तक ये सारे मटीरियल्स पहुँच सकें। देन NROER जो कि एक इनिशिएटिव MHRD और CIET, इसका मेन पर्पज़ या एम है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं डिजिटल, जो कि ऑलरेडी डिजिटल हैं या फिर जो डिजिटाइज किए जा सकते हैं अक्रॉस ऑल द स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन, उन सभी को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाना। देन नेक्स्ट इज NROER hosts a large number of educational resources in many subjects and in different Indian languages for primary, secondary and senior secondary classes. That is कि ये बहुत ही ज़्यादा large number में educational resources को host करता है, that is इस platform पे बहुत ही large number में educational resources available हैं जिसमें कि सब्जेक्ट या लैंग्वेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, दैट इज़ कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स, मेनली जो मेजर सब्जेक्ट डोमेन्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, और साथ ही ये डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में है कि इसमें सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या मेजर लैंग्वेजेस ही नहीं बल्कि बाकी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, उन सब में ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। और प्लस ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सारी ही क्लासेस के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। दिस स्पैन्स टू ऑल सब्जेक्ट डोमेन्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें सारे ही सब्जेक्ट डोमेन्स होंगे। इट प्रपोसेस टू यूज़ द डिजिटल रिसोर्सेज टू रीच आउट एंड कनेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी थ्रू अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स एंड इंट्रैक्शन। इसकी ये प्रपोज करता है कि जो भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उन सभी को हम यूज़ कर सकें और जितने भी मेंबर्स हैं स्कूल कम्युनिटी के उन सबको हम कनेक्ट कर सकें इस प्लेटफॉर्म से। और कैसे, तो बहुत सारे इवेंट्स और इंट्रैक्शंस भी होते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी को भी इन्हांस कर सकते हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। देन
द रिपोजिटरी विल ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर MOOCs एंड ऑनलाइन फोरम्स फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. ये रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी मैसिव जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं. आपने पढ़ा होगा हमारे चैनल पे ऑलरेडी MOOCs से रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं. तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी, साथ ही एक ये ऑनलाइन फोरम भी रहेगा जो बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए. द रिसोर्सेज इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो वीडियो, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, मैप, इंट्रैक्टिव्स एक्सेट्रा. इसमें टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो वीडियो, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, मैप, इंट्रैक्टिव सेशंस या इंट्रैक्टिव्स, ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल होंगी. देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दैट इज़ दीज रिसोर्सेज दे आर अवेलेबल इन अबाउट 29 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस. जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने कि ये रिसोर्सेज जो होंगे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे, इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे. और जैसा कि आप मेंशन भी है कि अबाउट 29 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑलरेडी हैं या होंगे. और इसमें बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो जैसे कि लिम्बू, लेपचा, भूटिया जो कि सिक्किम की हैं, उसके अलावा संथली है, खोटा है, आऊ है, देन गालो, गारो, खासी, मेठी. तो ये सारी ही ट्राइबल लैंग्वेजेस में भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. देन दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो वीडियो, मैप्स, इंट्रैक्टिव मटीरियल्स एक्सेट्रा. As a part of this initiative, all the textbooks and resource books of NCERT are digitized into EPUB 3.0 and flipbook versions, and everyone can access these e-books. That is कि इसी initiative के part में जो भी textbooks हैं, resource books हैं NCERT की plus others, तो उन सबको ही EPUB 3.0 और flipbook के version में format में इसे digitize किया गया है. Similar हमने देखा था ई पाठशाला में भी जो भी books हैं वो इन्हीं formats में हैं ताकि वो easily accessible हो, प्लस हम इजिली यूज कर सकें एंड एवरी वन कैन एक्सेस कि इन बुक्स को कोई भी कभी भी ये डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है. फीचर्स ऑफ दीज बुक्स अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट, रीड, जूम, बुकमार्क, हाईलाइट, नेविगेट, शेयर एंड मेक नोट्स डिजिटली. ये सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे इन बुक्स से रिलेटेड. इन फ्यूचर डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल स्टेट टेक्स्ट बुक्स विल बी डन एंड दे विल बी होस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ ई पाठशाला एंड NROER. दैट इज़ इन कमिंग फ्यूचर जो भी स्टेट टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सभी डिजिटाइज फॉर्म में इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगी. देन अ स्टडी फ्लो ऑफ ऑडियो वीडियो एंड इंट्रैक्टिव रिसोर्सेज हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक SAERT, SIERT, SIE, विज्ञान प्रसार, CCERT, GIET, SIET एंड अदर स्टेक होल्डर्स. दैट इज़ कि एक स्टडी फ्लो मेंटेन रहे, बना रहे, इस्टेब्लिश रहे ऑडियो वीडियो और इंट्रैक्टिव रिसोर्सेज का. और इसी के तहत जो बाकी इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग चाहे वो SERT हो, SIERT हो, विज्ञान प्रसार हो, CCERT हो या और भी जो भी इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका ही एक शेयर है एजुकेशनल कंटेंट में. दे हैव देयर शेयर इन द एजुकेशनल कंटेंट एंड दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ई रिसोर्सेज एज पार्टनर्स टू NROER. इन सब ने इवन एज पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और वो सब भी इसके पार्ट हैं. और उसके साथ एक ये लास्ट पॉइंट है कि अपग्रेडेशंस होते रहते हैं एज वी नो. तो सिमिलरली इसमें भी बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं विद टाइम, इंक्लूडिंग इंट्रैक्टिव्स एंड गेम्स, वर्कस्पेस, ई कोर्सेस, सोशल नेटवर्क्स, इवेंट्स, ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं अब. तो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.